जी अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ माय यूट्यूब चैनल मिसेज मिसबा आबिद है। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, मैं भी खैरियत से हूँ। आज के व्लॉग में मैं बनाने जा रही हूँ भिंडी। यहाँ मैं डस्टिंग कर रही थी, अम्मी के घर से आई थी, घर बहुत ज़्यादा मिट्टी में हो रहा था तो मैंने डस्टिंग करना स्टार्ट कर दिया। डस्टिंग करके सफ़ाई वगैरह की, सफ़ाई करने के बाद मैं किचन में चली गई। कुछ लोग पूछ रहे हैं कि आप अपनी अम्मी की क्यों गई थी। मैं अपनी अम्मी की गई थी, मैं अपनी दादी की तबीयत मालूम करने के लिए गई थी। मेरी दादी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। जो मेरी वीडियो को देख रहा है वो मेरी दादी के लिए दुआ कर, अल्लाह ताला मेरी दादी को सेहत दे, तंदुरुस्ती दे और हिम्मत दे, उनकी तबीयत ठीक हो जाए। नेक्स्ट मंथ मेरी फूफू की बेटी की शादी है, ताकि वो जल्दी से शादी अटेंड कर लें। और ना नेक्स्ट वीक मेरी हम बहन की रस्म है, जल्दी से सेहतमंद होकर वो मेरी बहन की रस्म में आए। तो यहाँ जी मैं बनाने वाली थी भिंडी वॉश करी। भिंडी वॉश करने के बाद भिंडी कट करी। कट करने के बाद फिर मैंने ना थोड़ा सा तेल डाला, इसमें डाला, इसमें ज़ीरा डाला। एक साइड पे मैं तवा भिंडी बना रही थी, कड़क कड़क सी स्पाइसी स्पाइसी होती है। और दूसरी साइड यहाँ मैं अपने ससुर की फेवरेट भिंडी बना रही थी, जो वो ना टमाटर वाली नहीं खाते। टमाटर वाले भी बहुत मज़े की भिंडी बनती है, मेरी अम्मी के घर पे बनती है तो मैं वहाँ भी बनाती थी। भिंडी बहुत ज़्यादा मज़े की भिंडी बनती है, बस ये है कि इसमें टमाटर ऐड कर दें। यहाँ मैंने इसमें स्पाइसेस ऐड करे, स्पाइसेस ऐड में करे मैंने नमक डाला और कुटी हुई मिर्चें डाल दी, इस 1 टीस्पून। यहाँ दूसरी साइड मैंने तवे पे इसको भुनने के लिए रख दिया। इसमें छोटी वाली हरी मिर्चें नहीं होती, उसको बीच में से कट करके वो डालें, वो जब खाओ इतने मज़े की लगती है कि बता नहीं सकती आपको। बाज़ लोग बोल रहे हैं आप डेली व्लॉगिंग क्यों नहीं करती। यार डेली व्लॉगिंग का मसला नहीं, एक तो घर की मसरूफियात इतनी होती है, बच्चे को इतना परेशान करते हैं ना कि बस बता नहीं सकती मैं। बंदा व्लॉगिंग तो कर ले पर यार ये जो एडिट करना और वॉइस ओवर करना होता है ना, बहुत ज़्यादा मुश्किल काम होता है। यहाँ हमें रात के 2:30 बज रहे हैं और मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। मेरे हस्बैंड भी सो गए, मेरे बच्चे भी सो गए, जब जाके वॉइस ओवर करनी पड़ती है क्योंकि वॉइस ओवर करने के लिए सन्नाटा चाहिए होता है। यहाँ एक भिंडी साबुत निकल गई थी तो मैंने उसको फिर निकाला, उसको निकालने के बाद कट करके वापस इसमें डाला। यहाँ मैंने दूसरे साइड पर ने भिंडी इसको फ्राई कर रही थी क्योंकि ये अभी तक फ्राई हुई नहीं थी, ये थोड़ी देर से फ्राई होती, थोड़ी सी कड़क कड़क सी होनी चाहिए ना ये भिंडी। अच्छा जी, और आप सुनाएं सब कैसे हैं, ठीक हैं? तो जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और जो मेरे यूट्यूब पर नए हैं वो मेरी ओल्ड वीडियो सारी वीडियो देखें और लाइक शेयर करें। यहाँ मैंने नमक ऐड करा इसमें, नमक ऐड करने के बाद थोड़ा इसको भुनाव पर रखा, भुना थोड़ा सा, भुनने के बाद फिर इसको मैंने बंद करके रखा। और यहाँ सबसे ज़्यादा खुशी की बात यह है कि गैस आ रहा था, रबी अव्वल की वजह से गैस भी आ रहा था। पूरे दिन माशाल्लाह जो ऐसा गैस आया ना, मशीन लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। अच्छा जी, मैं कोशिश करूँगी कि मैं रोज़ाना व्लॉग अपलोड करूँ। यार अपलोड कर दूँगी। यहाँ मैं फ्राई कर रही थी इसको, अभी भी टाइम था फ्राई होने के लिए, तो फिर मैंने इसको 5-10 मिनट फ्लेम पर रखा, लाइट फ्लेम में रखा ताकि हल्की सी क्रिस्पी क्रिस्पी रहे। और साथ में सफ़ाई का भी ख्याल रखा करें, जब जाहिर सी बात है पकाने लगो तो यार किचन इतना फैल जाता है बताने से। हाथ के हाथ बर्तन धो रही थी, फिर किचन भी साफ़ कर रही थी। यहाँ मैंने एक लीमू निचोड़ा इसमें, फिर मैंने इसको थोड़ा सा भूना। भूनने के बाद यहाँ ये मेरी भिंडी तैयार हो चुकी थी, यहाँ ये वाली भिंडी तैयार हो गई थी। बस थोड़ी सी कड़ से थी, 5-10 मिनट इसमें रखा, फिर मैंने थोड़ा सा भुना हुआ ज़ीरा, भुना हुआ धनिया और थोड़ी सी काली मिर्च डाली, तो बहुत मज़े की भिंडी बनी थी। बना कर तैयार किएगा, बनाइएगा लाजमी। तो हम मिलते हैं आपसे इन अदर व्लॉग में। आपके आप ही को इजाज़त दीजिए। ओके, अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं फिर एक नए व्लॉग में।